प्रायोजित फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर कॉलेज रोड रीवा, नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर नया बस स्टैंड रीवा और उत्सव राजविलास। शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह धोबिया टंकी रीवा। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। गुड़ विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने कपिध्वज सिंह पर अपना विश्वास जताया है। कपिध्वज सिंह इसके पूर्व भी एक बार पर्चा दाखिल कर चुके थे, लेकिन आज एक बार फिर से पूरी तैयारी से नजर आए रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर में। यहां पहुंचकर उन्होंने पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कपिध्वज सिंह ने कहा, गुड़ का विकास हुआ ही नहीं, विकास हुआ था, सौर ऊर्जा संयंत्र बना था, लेकिन किसी भी तरीके से सौर ऊर्जा संयंत्र में स्थानीय लोगों को काम नहीं मिला। इस तरीके का विकास का कोई मतलब नहीं जब वहां पर स्थानीय लोगों को रोजगार ही न मिले। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक उम्रदराज व्यक्ति को टिकट दिया है, अपना प्रत्याशी बनाया है। आज गुड़ की जनता युवा प्रत्याशी की ओर देख रही है। सुनिए कपिध्वज सिंह ने क्या कुछ कहा। देखिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्रीय प्रत्याशी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जो हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने जनता की भावनाओं का आदर करते हुए हमें एक आम कार्यकर्ता जो क्षेत्रीय हैं उनको प्रत्याशी बना के जनता की आस्था, जनता के विश्वास का सम्मान किया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक उम्रदराज व्यक्ति को, 85 साल के व्यक्ति को जनता के ऊपर थोप दिया है, और ये बहुत स्वाभाविक चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि उनका जनप्रतिनिधि एक 85 साल के व्यक्ति हो जो उनका काम और सेवा 5 साल के लिए न कर पाए। सभी को चाहिए कि एक ऊर्जावान नौजवान व्यक्ति जो जनता के बीच सतत संपर्क में रह सके, उनके लिए दौड़ सके। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं जनता की भावना को समझने में और जनता की भावना को सम्मान देने में कमी करी। पिछली बार आपको बहुत थोड़े मतों से आप हार गए थे जी, इस बार कोई खास रणनीति के तहत प्रचार अभियान चालू? देखिए, हम लोगों का रणनीति तो अब सार्वजनिक नहीं की जाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो भी रीति और नीति है वो जनहितैषी है, और हम लोगों की जो नीति है वो सकारात्मक नीति है। हम लोग गलत तरीके से झूठ बोल के चुनाव नहीं लड़ते हैं। जो हम लोग वचन देते हैं उसको ईमानदारी से पूरा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी हाल ही में, चूँकि जनता के मन में उनके लिए अब स्थान नहीं है, तो अब गलत तरीकों पे उतर आई है। सत्ता के जोर पर धनबल, बाहुबल, शराब, ये सब का सहारा ले रही है, और साथ ही साथ एक बड़ा ही निकृष्ट स्तर का प्रचार करने में वो व्यस्त हैं। अफवाह फैला के अपने जो 5 साल जिन अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी ने पोषित किया, उनको अब चुनाव के समय उन्होंने जनता के बीच में छोड़ा है कि गंदगी फैलाओ और कांग्रेस को बदनाम करो। इससे आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम ये अपील भी करना चाहते हैं कि ये जो प्रचार करने का स्तर है, जो इन्होंने गुंडे 5 साल अपराधियों को शरण और संरक्षण दे रखा था, उनके द्वारा जो क्षेत्र में ये गंदगी फैला रहे हैं, भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे जनता को सचेत रहने की ज़रूरत है, सजग रहने की ज़रूरत है, और इसमें पुलिस प्रशासन को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। देखा गया है कि जब इनके प्रायोजित इस तरह के दंगे होते हैं जो जानबूझ के कराए जाते हैं, वो पुलिस का उसमें पूरा समर्थन रहता है। तो ये पुलिस का भी ये दायित्व है कि इस तरह की गतिविधियों को रोकने में वो थोड़ा सा ज़्यादा सक्रिय हो, और ऐसे लोगों को तत्काल गिरफ्तार करके उन पर दंडात्मक और निरोधात्मक कार्रवाई तत्काल करें। क्षेत्र में कई बड़े बड़े विकास के दावे किए जा रहे हैं, क्या लगता है कितने?
ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।